सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 जून 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इनके नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार, भी आपका आंसर हो जाएगा। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। विवेक कुमार संजीव कुमार सिंगला का स्थान लेंगे। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO पीटर एल्बर्ट्स बने हैं। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष SS मुद्रा बने हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यहाँ पर बने हैं विवेक कुमार देवांगन। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक का नाम है यहाँ पर रामबाबू प्रसाद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है निधि छिब्बर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित आपकी की जाएगी दावोस स्विट्जरलैंड में, डी आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर के मुद्दों और चुनौतियों जैसे वैश्विक महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध और जलवायु परिवर्तन आदि में समाधान खोजना है। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन की थीम है एक महत्वपूर्ण मोड़ पर इतिहास पर केंद्रित। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसकी फुल फॉर्म है, विश्व आर्थिक मंच। स्थापना जनवरी 1971 में हुई थी। मुख्यालय कोलगनी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष क्लाउस सकवाब हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी अमेरिका ने। तो यहाँ पर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञ दल ने माउंट एवरेस्ट पर 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है, जिससे मौसम संबंधी अनेक घटनाक्रमों को स्वतः मापा जा सकेगा। सौर ऊर्जा से संचालित इस मौसम निगरानी प्रणाली से वायु तापमान, हवा की गति और दिशा, हवा का दबाव, बर्फ़ की सतह और ऊंचाई में बदलाव आदि मौसम विज्ञान संबंधित घटनाक्रम को मापा जा सकता है। पर्वत माउंटेन से जुड़े टॉप 5 प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है विंसन मासिफ। एशिया महाद्वीप और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रोस। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कॉस्कियुजुको। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 मई को, सी आपका आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाने का उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। वर्ष 2022 की थीम है सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो यहाँ पर इसकी बैठक की अध्यक्षता की है चीन ने, भी आपका आंसर हो जाएगा।
चीन ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए चर्चा की गई है। भारत की तरफ से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह यादव ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक का विषय और थीम उच्च गुणवत्ता वाले ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है जो पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल दिया गया। स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय संघाई चीन में है। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था जून 2009 में और ये हुआ था रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को प्रतिष्ठित हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? इंद्रजीत सिंह को किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाटनी विभाग के एल्यूमनी प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को जर्मनी के प्रतिष्ठित हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड के लिए चुना है। हेम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को उनके अद्भुत काम के लिए प्रदान किया जाता है। पिछले टॉप 5 पुरस्कारों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस लेखक और पत्रकार ने अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट पैलेस द अमेरिकन मिलिट्री एड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पीच वैली के लिए विलियम ई कॉलवी पुरस्कार 2022 जीता है? वेस्ले मॉर्गन ने। किस भारतीय को ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 से सम्मानित किया गया है? अजय पीरामल को। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का पुरस्कार गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 किसने जीता है? अन्ना काबले दुबा केन्या ने जीता है। प्रतिष्ठित टेम लटन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? फ्रैंक विलजेक ने ये पुरस्कार जीता है। फ्रांसीसी उपन्यास मर्सोल्ट कॉन्ट्रैक्ट वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा था? कामिल दाऊद ने इस पुरस्कार को लिखा था। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 839.8 मीटर है, यह भी यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश भारती बने हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञानेश भारती एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त बने हैं। वहीं अश्विनी कुमार एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए विशेष अधिकारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? गवानजू दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ है। ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली 2020 लीग में फ्रेंचाइज हासिल की है? अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने ये हासिल की है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने संयुक्त अरब अमीरात में होने वाली 2020 लीग में फ्रेंचाइज हासिल की है। अडानी स्पोर्ट्स लाइन अडानी समूह का एक प्रभाग है। यूएई 2020 लीग का एक वार्षिक क्रिकेट आयोजन है जिसमें 34 मैचों के टूर्नामेंट में भाग लेने वाले 6 फ्रेंचाइजी टीमें शामिल होंगी। यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म है। यूएई से महाद्वीप में स्थित है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की करेंसी यूएई दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। यूएई के शहर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय स्थित है। तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन दक्षिण कोरिया के गवानजू में शुरू हुआ है। तीरंदाजी विश्व कप 2022 जिसे होंडई तीरंदाजी विश्व कप के रूप में भी जाना जाता है विश्व तीरंदाजी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2022 का आयोजन सुहल जर्मनी में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021-22 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ है। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन
काहिरा मिस्र में हुआ है। 12वें ICC महिला विश्व कप 2022 खेल का आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है। 12वें IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन इस्तांबुल तुर्की में हुआ है। 23वीं सन 2022 के कुछ क्वेश्चनों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। किस दक्षिण अफ्रीका देश में जंगली पोलियो वायरस टाइप फर्स्ट का पहला मामला पाया गया? मोजाम्बिक में पाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस 2022 कब मनाया गया? 21 मई को मनाया गया। अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? जीनियस एनर्जी ने पुरस्कार जीता है। किन दो देशों ने संयुक्त रूप से मिलकर मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन नामक फिल्म का निर्माण किया? भारत और बांग्लादेश ने इस फिल्म का निर्माण किया है। मेट्रोलॉजी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 20 मई को मनाया गया है, जिसकी थीम रही है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ फ्रेंड्स। रूस और फिनलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मार्जिनल मेनर हिम रेखा कहलाती है। भारत दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोशाली थी। आयन ए अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। गोल गुंबज कहाँ से स्थित है? बीजापुर कर्नाटक में ये स्थित है। तराइन की पहली लड़ाई 1151 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइट्रेट इसका फुल फॉर्म है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 312। प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? LV वैद्यनाथन इसके नए CEO बने हैं। सैन्य अभियान के नए निदेशक कौन बने? मनोज कुमार कटियार बने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तेलंगाना, भारत में। आइवरी कोस्ट कोटे डी आइवर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पैट्रिक अची बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 22 अप्रैल को मनाया गया है। पांडुचेरी के नए मुख्य सचिव कौन बने? राजीव वर्मा बने हैं। छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना को किसने शुरू किया? वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने इसको यहाँ पर शुरू किया है। टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत में ब्रिटिश JCB कंपनी की नई फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया? वडोदरा गुजरात में किया है। पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।